दोस्तों पिछले महीने MI ने अपना मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन MI A3 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, जो कि चाइनीज मार्केट में MI CC9 के नाम से लॉन्च हुआ था। दोस्तों इसी स्मार्टफोन का सक्सेसर MI CC9 Pro चाइना के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, जो कि आने वाला इंडिया के अंदर MI A3 Pro के नाम से, जिसमें कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा, स्नैपड्रैगन के 730 का प्रोसेसर और उसके साथ ही स्मार्टफोन में 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के बिल्ड और डिजाइन से। तो दोस्तों MI A3 Pro में भी आपको MI A3 के जैसा ही ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ, जिसमें कि आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है और उसके साथ ही स्मार्टफोन के बैक साइड में 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। एंड उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों MI A3 Pro में देखने को मिलने वाला 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जैसा कि MI A3 में हमें एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिला था। तो दोस्तों MI A3 Pro में हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, जो कि 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा को सपोर्ट करता है। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। एंड उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, जैसा कि रेडमी K20 में हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है लीक्स के अकॉर्डिंग। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के रियर साइड के कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला ट्रिपल रियर कैमरा, जो कि प्राइमरी सैमसंग के 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आने वाला है। और उसके साथ ही यहां पर आपको 30 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 4000 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला 13 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का प्राइसिंग आपको अंडर 20,000 रुपीस के करीबन बेस वेरिएंट 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज का देखने को मिलने वाला है चाइना के अंदर। तो दोस्तों इंडिया में भी इसकी प्राइसिंग अराउंड 20,000 रुपीस ही रहने वाला है बेस वेरिएंट का। और एंड फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को चाइना में इसी वीक के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है और उसके बाद स्मार्टफोन को 1 या 2 महीने के अंदर इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कन्फर्म लीक्स जो कि सामने आई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।